कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अंबिकापुर में आयोजित आम सभा में पहुंचे कांग्रेस के महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस सीट बंटवारे पर कहा कि मैं मानता हूं कि थोड़ी देर हुई है, लेकिन ये एक मुश्किल काम है क्योंकि हम राज्य स्तर पर कुछ पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। दिल्ली और पंजाब में हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर एक क्रांति के वैज्ञानिक निर्माता थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया, वो भी मरणोपरांत। हम उसका स्वागत करते हैं। वो भारत रत्न थे, भारत रत्न है और भारत रत्न रहे। पर बात यह है कि जो सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, वही सरकार किसानों पर इतने अन्याय करती है। स्वामीनाथन फॉर्मूला किसान संगठनों की तीन या चार मुख्य मांग है, और सबसे बड़ी मांग यह है कि जो खेती की लागत का अनुमान किया जाता है वो स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूला पर किया जाए, और 1.5 गुना खेती की लागत को एमएसपी घोषित किया जाए। एमएसपी की परिभाषा मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है, एमएसपी की परिभाषा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और 1.5 गुना जो विस्तृत रूप से खेती की लागत अनुमान किया जाता है, स्वामीनाथन फॉर्मूला जिसे कहा जाता है। ये एक मांग है। दूसरी मांग है कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जहां खरीद निजी कंपनियों से होता है और निजी कंपनियां मार्केट में एमएसपी के कम दाम से खरीदते हैं किसानों से, तो इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, ये दूसरी मांग है। सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी लंबी बात हुई है, मैं मानता हूं कुछ देरी हुई है, पर यह कठिन काम है क्योंकि हम कुछ पार्टियों के साथ राज्यों में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ राज्यों में है। इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। दिल्ली में तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पंजाब हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। तो इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप कहें कि क्या पहले हो जाना चाहिए था, मैं सहमत हूं, पर कुछ कठिनाइयां आई हैं और मैं समझता हूं कुछ ही दिनों में, खास तौर से डीएमके के साथ कोई समस्या नहीं है, एनसीपी और शिवसेना के साथ कोई समस्या नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ मैं समझता हूं कुछ तकलीफें नहीं है। तकलीफ है पश्चिम बंगाल में, तकलीफ है दिल्ली में, दिल्ली में भी नहीं है, तकलीफ है पंजाब, पंजाब और पश्चिम बंगाल में कुछ परेशानी है, क्योंकि हमारे संगठन में भी लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा सीट में लड़े। आम आदमी पार्टी भी चाहती है, तृणमूल कांग्रेस भी चाहती है वो ज्यादा सीट लड़े, तो एक बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा और कुछ ही दिनों में मैं समझता हूं अंतिम रूप सीट शेयरिंग फॉर्मूला को दिया जाएगा।